सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पॉलिटी फैकल्टी गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट वीडियोस में हमने सुना बताया था पॉलिटी के बारे में कि पॉलिटी का जो पहला पेज है यानी कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है, हमने संविधान बताया था। संविधान आप पहला पेज खोलोगे तो उसमें हमने पढ़ा था प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना, और प्रस्तावना क्या होता है, इंट्रोडक्शन। यानी किसी भी बुक पर हम सबसे पहले क्या देखते हैं, प्रीएम्बल देखते हैं, या लिखा होता है प्रस्तावना, या लिखा होता है इंट्रोडक्शन या परिचय। यानी प्रस्तावना को ही परिचय बताया गया है। तो संविधान का पहले पेज पर संविधान का परिचय दिया हुआ है, वो हमने सारा डिस्कस कर दिया था। अगर आप लास्ट वीडियो में देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि प्रस्तावना क्या है, कहां से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे प्रस्तावना को बताया गया है। बाकी डिटेल्स में पढ़ना है तो आप जब बैच लॉन्च होगा तो आपको क्लियर बता दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया तो उसके बाद बात करते हैं जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे संविधान का। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारा संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस वक्त उसमें 22 भाग थे, 22 पार्ट्स, और हर पार्ट में कुछ ना कुछ आर्टिकल्स थे। तो टोटल 395 आर्टिकल्स थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल थे। लेकिन बात करें अब की, तो संशोधन करते करते आज की डेट में हमारे संविधान में 25 भाग हैं, 25 पार्ट्स हैं, और 465 आर्टिकल्स हैं, 465 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें मैंने शेड्यूल आपको पढ़ा दिया है। और उसके बाद पहले पेज पर प्रस्तावना है। अब हम आपको पहला भाग बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला भाग संविधान का क्या है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, देश के बारे में है या नहीं है। तो सबसे पहले भाग में हमें देश के बारे में पढ़ना है कि हमारा देश कैसा है, इसमें से अगर कोई भी राज्य बनेगा तो कैसे बनेगा, अगर हम किसी बाहर से किसी भी राज्य को एक्वायर करते हैं, जैसे मान लो नेपाल को मिलाते हैं तो कैसे मिलाएंगे, या अपने देश में से किसी भी राज्य का एक हिस्सा करेंगे, दो हिस्से करेंगे, तीन हिस्से करेंगे तो वो कैसे करेंगे, या किसी राज्य का नाम परिवर्तित करेंगे तो वो कौन करेगा, कैसे कैसे करेगा। तो हमें जो पहला भाग है उसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ और इसके क्षेत्र। आपने संघ वर्ड सुना होगा, यूनियन, क्यों क्यों सुना होगा, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, सुना होगा आपने। तो हमें भारत पढ़ना है, भारत बोला गया, यानी यूनियन का मतलब क्या है, भारत राज्यों का संघ है, यानी इंडिया है ये, यानी इंडिया और उसकी टेरिटरीज, इंडिया और उसमें जो क्षेत्र हैं, राज्य केंद्र शासित प्रदेश, वो पढ़ने हैं पहले भाग में, ठीक है। तो पहला भाग है हमारा संविधान का संघ और इसके क्षेत्र, यानी भारत और उसके क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें हमें देश के बारे में पढ़ना है, तो भाग एक है ये, और अनुच्छेद 1 से 4 आर्टिकल 1 से 4 में इसके बारे में डेफिनेशन दी हुई है। तो देखते हैं अनुच्छेद 1 से 4 क्या कहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अनुच्छेद 1 की, हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 की, आर्टिकल 1। तो अनुच्छेद 1 देखते हैं क्या कहता है, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत, इंडिया जो कि भारत राज्यों का, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद 1 बोलता है इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ है। अभी हमने इंडिया जो कि भारत क्या किया कर दिया, तो देखिए जब संविधान सभा हमारी संविधान बना रही थी, यानी हमारे फ्रीडम फाइटर जब संविधान बना रहे थे हमारा, तो उस वक्त सबसे पहले यही बात हुई कि हम अपने देश का नाम रखें तो रखें क्या। तो सबसे पहले कुछ लोगों ने बोला, क्योंकि हमने 16 मई 1949 को राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता, कॉमनवेल्थ नेशन की सदस्यता इंडिया के नाम से ली थी, तो बोला इंडिया होना चाहिए हमारे देश का नाम। लेकिन कुछ लोगों ने साफ विद्रोह कर दिया और बोल दिया कि नहीं, परंपरा के हिसाब से राजा भरत के ऊपर भारत होना चाहिए। अब कुछ लोग बोल रहे थे हमारे देश में संविधान में इंडिया रखो देश का नाम, कुछ लोग बोल रहे थे भारत रखो। तो उसके बाद जब उस पर बहस चलती रही, काफ़ी दिन बहस के बाद जब निष्कर्ष निकाला गया तो बोला गया कि एक काम करते हैं, इन दोनों नामों को मिला देते हैं। तो हमारे देश का नाम क्या रखा, इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत। तो याद रखिएगा हमारे देश का ओरिजिनल नेम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल नेम क्या है, इंडिया जो कि भारत, इंडिया दैट इज भारत, यही नाम है। और आपसे कोई शॉर्ट में आपसे पूछ ले, पेपर में आ जाए कि हमारे देश का नाम या फिर यूनियन का नाम, इंडियन यूनियन का नाम क्या है, तो क्या है,
इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत, तो इंडिया जो कि भारत हमारे देश का नाम है। तो सबसे पहली लाइन क्या कहती है, यानी अनुच्छेद एक क्या कहता है, यानी पहले भाग का पहला अनुच्छेद बोलता है हमारे देश का नाम कि इंडिया जो कि भारत, शॉर्ट में हम बोल देते हैं इंडिया, शॉर्ट में हम बोलते थे भारत, लेकिन हिंदुस्तान कहीं भी हमारा संविधान में नाम नहीं है, ठीक है, आर्यव्रत, हिंदुस्तान, ये संवैधानिक नाम नहीं है, हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत। आप अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आप इसको वो बता सकते हो कि इंडिया दैट इज भारत ही हमारे देश का नाम है, और अगर पेपर में आता है तो आपको यही टिक लगाना पड़ेगा, तभी आपको एक या दो नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहला अनुच्छेद बोलता है इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ है, इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल वन बोलता है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ है, बी आएगा समूह है, फेडरेशन ऑफ स्टेट, तो क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। अब देखो दो शब्द होते हैं, सबसे पहला होता है एक फेडरेशन, सबसे पहला शब्द होता है आपका फेडरेशन, फेडरेशन, फेडरेशन को बोलते हैं समूह, फेडरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, समूह। एक शब्द होता है यूनियन, यूनियन यानी संघ। तो पहला प्रश्न बनता है भारत राज्यों का संघ है या समूह है, तो भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट, सीधा आंसर लगाना है। देखो क्वेश्चन आ चुका है कई बार एसएससी में, एसएससी पूछ चुका है, पीसीएस पूछ चुके हैं अलग अलग, इंडिया इज अ, शॉर्ट में पूछे थे इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरेशन ऑफ स्टेट, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टेट, तो क्या होगा, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। लेकिन अब हम डिफरेंस बताते हैं कि समूह और संघ में क्या डिफरेंस है। अगर हम एग्जांपल के तौर पर बात करें तो अमेरिका राज्यों का समूह है, अमेरिका इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, और इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो इसका मतलब क्या है भाई, इनमें डिफरेंस क्या है, अमेरिका समूह क्यों है, हम संघ क्यों है। तो देखिए कैसे, जैसे बात करें कि अमेरिका पहले केवल एक अमेरिका था, अमेरिका पहले केवल एक अमेरिका था, उसके आसपास वाले जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने अमेरिका के साथ संधि कर ली, यानी पहले अमेरिका एक देश था और ये भी सब क्या थे, देश थे, इन्होंने क्या किया, अमेरिका के साथ संधि कर ली और ये उसके साथ क्या हो गई, ये यूनाइट हो गए। तो अब जब यूनाइट हो गए तो ये इसके स्टेट्स कहलाए, अमेरिका के ये कहलाए, इससे पहले देश हुआ करते थे, पहले ये सारे देश हुआ करते थे, अब ये क्या है, स्टेट। तो यूनाइट होकर स्टेट्स ने अमेरिका को बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यहाँ राज्यों ने अमेरिका को बनाया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ राज्यों ने संयुक्त होकर, जैसे मान लो मैं अकेला हूँ, अब मेरे साथ बहुत सारे लोग मिल जाए ग्रुप में, तो हम संयुक्त होकर एक ग्रुप बनाया है ना, समूह बनाया है, तो हम समूह कहलाएंगे। तो अमेरिका को राज्यों ने संयुक्त होकर राज्यों ने अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया है, यहाँ राज्यों ने अमेरिका को बनाया है। अब बात करते हैं हमारे देश की, तो हमारे देश में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, मान लो ये इंडिया है और इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, क्या राज्यों ने हमारे इंडिया को बनाया है, क्या हमारे देश में स्टेट्स ने इंडिया को बनाया है, नहीं, हम भारत ने राज्य बनाए हैं, है या नहीं है, हमारे देश में क्या है, भारत ने राज्य बनाए हैं, राज्यों ने भारत को नहीं बनाया है। जैसे कि देखा होगा भारत ने तेलंगाना बनाया है, क्या तेलंगाना ने भारत को बनाया है, नहीं, भारत ने तेलंगाना बनाया अभी। उसके बाद बात करते हैं भारत ने झारखंड बनाया, भारत ने उत्तर प्रदेश बनाया, भारत ने महाराष्ट्र बनाया, क्या महाराष्ट्र ने भारत को बनाया है, नहीं, ठीक है। तो समूह में क्या है, यहाँ राज्यों ने अमेरिका को बनाया है संयुक्त होकर, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ भारत राज्य बनाता है और यहाँ राज्यों ने अमेरिका को बनाया है। तो संघ और समूह का मतलब समझे, यहाँ क्या है, राज्य शक्तिशाली हैं और यहाँ केंद्र शक्तिशाली होगा, यहाँ केंद्र राज्य बनाएगा और यहाँ राज्यों ने अमेरिका को बनाया है, ठीक है। तो ये होता है संयुक्त होकर राज्यों ने अमेरिका को बनाया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यहाँ क्या है, भारत ने राज्य बनाए हैं, बनाए या नहीं बनाए, बिल्कुल, जैसे तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ अभी बनाए होंगे, आपको पता होगा। अब देखिए, अब इनके यहाँ दूसरा, तो पहला क्या हो गया, पहला यहाँ राज्यों के पास अलग शक्ति होगी और यहाँ केंद्र शक्तिशाली होगा, यहाँ केंद्र बनाता है राज्य, ठीक है। दूसरी बात, इनके यहाँ दो नागरिकता है, इनके यहाँ कितनी, दो नागरिकता है, जैसे अमेरिका के पास, अब देखो जैसे मान लो कैलिफोर्निया एक अलग देश हुआ करता था, तो इनके नागरिकों के पास कैलिफोर्निया की नागरिकता थी, लेकिन जब ये अमेरिका के संयुक्त हो गए और स्टेट बन गए अमेरिका का,
जब कैलिफोर्निया स्टेट बन गया अमेरिका का, तो इसको सेंटर की भी नागरिकता लेनी पड़ी। तो इनके पास स्टेट की नागरिकता और सेंटर की नागरिकता, दो नागरिकता होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक नागरिकता है। जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप भी भारत के नागरिक हो, ये भी भारत का नागरिक है, सब हम भारत के नागरिक हैं। अब मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूँ, रेजिडेंस, लेकिन मैं नागरिक कहाँ का हूँ, भारत का। चाहे मैं कहीं भी जाऊं, मैं नागरिक भारत का बोला जाऊंगा। लेकिन अमेरिका में जाओगे आप, तो अमेरिका में आप स्टेट की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी और केंद्र की आपको नागरिकता अलग मिलती है। तो वहाँ दो नागरिकताएं, हमारे यहाँ एक नागरिकता है। तो समूह में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ राज्य शक्तिशाली होते हैं, यहाँ केंद्र शक्तिशाली होता है, यहाँ केंद्र ने राज्यों को बनाया होता है, देश ने राज्य बनाए होते हैं, ठीक है। और यहाँ दो नागरिकता होती है, यहाँ एक नागरिकता होती है। यहाँ कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। अब ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान ने बोल दिया आज कि भाई हम अलग हो रहे हैं भारत से, ऐसा है नहीं। राजस्थान अलग नहीं हो सकता अपनी मर्जी से, उत्तराखंड अलग हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता, राज्य के पास शक्ति नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हमारे देश में किसके पास, केंद्र के पास, भारत के पास शक्ति है, यानी संसद के पास शक्ति है, किसी राज्य के पास पावर नहीं। या फिर राजस्थान बोल दे आज से मेरा नाम पाकिस्तान है, नहीं। या दिल्ली बोल दे आज से ना मेरा नाम दिल्ली है, नहीं। तो हमारे देश में क्या है, कोई भी राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, यहाँ केंद्र के पास शक्ति है, ठीक है। तो क्लियर हुआ, समूह में क्या है, यहाँ राज्यों ने, यहाँ संयुक्त होकर राज्यों ने अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया है। यहाँ राज्यों के पास अलग शक्ति है, केंद्र के पास अलग है, यहाँ केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति है, यहाँ केंद्र ने राज्य बनाए, संसद ने राज्य बनाए हैं, ठीक है। यहाँ दो नागरिकता है, यहाँ एक नागरिकता है, यहाँ कोई राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। तो हमारा देश क्या हुआ, भारत राज्यों का संघ है। तो क्वेश्चन पहला आता है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स या फेडरेशन ऑफ स्टेट, या फिर आएगा इंडिया इज अ डैश ऑफ स्टेट। तो क्या है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद एक यही बताता है हमारे देश की विशेषता कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत हमारा जो देश है वो राज्यों का संघ है। यहाँ राज्य नहीं, यहाँ केंद्र देश शक्तिशाली है, ठीक है। तो ये हो गया अनुच्छेद एक, देश के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं अनुच्छेद दो के बारे में, ठीक है। तो लिखिए अनुच्छेद दो, आर्टिकल टू। तो पहले में तो अपने देश की विशेषता बताई गई है कि भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल टू क्या देता है, देखिए आर्टिकल टू अनुच्छेद दो। तो अनुच्छेद दो क्या करता है, अनुच्छेद दो संसद को, यानी अब संसद क्या है, संसद ही तो हमारा देश है। अगर कोई पूछता है आपसे संसद क्या है, तो मैं भी संसद हूँ, ये भी संसद है, वो भी संसद है, पूरा देश, यानी 125 करोड़ लोग ही तो संसद में भेजते हैं, भेजते या नहीं भेजते, तो हम ही संसद हैं। तो संसद क्या है, देश, संसद क्या है, देश, यहाँ देश के पास शक्ति है, संसद के पास शक्ति है। तो अनुच्छेद दो संसद को पावर देता है कि तुम दूसरे यानी विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल टू, आर्टिकल टू गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू एडमिट to admit foreign states in India। अनुच्छेद दो संसद को, यानी अनुच्छेद दो आर्टिकल टू पार्लियामेंट को पावर देता है। संसद संविधान के अनुच्छेद, ये विधान ही तो हैं, ये विधान है अनुच्छेद दो। अनुच्छेद दो संसद को पावर देता है कि तुम विदेशी राज्यों को, फॉरेन स्टेट्स को भारत में मिला सकते हो। जैसे अनुच्छेद दो संसद को पावर देता है कि आप विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हो। एग्जाम्पल, जैसे मान लो आज नेपाल भारत से संधि करना चाहता है कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो नेपाल, हमें तो फायदा होगा ना भाई, हमारा क्षेत्रफल बढ़ेगा और हमें सामरिक शक्ति मिलेगी, है या नहीं है। अगर तो अगर नेपाल भारत से मिलना चाहता है, तो अनुच्छेद दो संसद को पावर देता है कि आप साधारण बहुमत से बिल पास करके क्या कर सकते हो, नेपाल को भारत में मिला सकते हो। या फिर बात करते हैं पाकिस्तान की, अभी मान लो पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो जाए और हम पाकिस्तान को जीत लेते हैं, तो अनुच्छेद दो संसद को पावर देता है कि हम शक्ति का प्रयोग करके भी किसी दूसरे विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दादर एवं नागर हवेली, ठीक है, हमारा नहीं था, हमने मिलाया है बाद में, ठीक है। उसके बाद गोवा हमारा नहीं था, इसको ज़बरदस्ती छीना गया है। पुदुचेरी हमारा नहीं था, सिक्किम हमारा नहीं था। तो अनुच्छेद दो संसद को पावर देता है विदेशी राज्यों को भारत में मिलाने की। ध्यान दीजिएगा, पहले में क्या था, देश,
दूसरे में क्या था, अनुच्छेद 2 संसद को पावर देता है विदेशी राज्यों को भारत में मिलाने की, गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू एडमिट फॉरेन स्टेट इन इंडिया। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सा अनुच्छेद संसद को पावर देता है विदेशी राज्यों को भारत में मिलाने की, अनुच्छेद 2। देखो कैसे, जैसे मान लो भाई ये इंडिया है, मान लो अब यहाँ मैप नहीं बना सकते क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है, तो ये मान लो इंडिया है, भारत है, अब ये है नेपाल, ठीक है, ये क्या है, नेपाल है, अब ये नेपाल है, और मान लो ये है पाकिस्तान, ये नेपाल है, ये है पाकिस्तान, तो अनुच्छेद 2 संसद क्या है, यही तो संसद है भाई, संसद में 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें हमने तो भेज रखे हैं पूरे सांसद, ठीक है, और इसका संसद का 2 एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अगर अनुच्छेद 2 संसद को पावर देता है कि अगर, तो यहाँ से अगर ये विधेयक पारित हो जाता है, संसद विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, तो अनुच्छेद 2 संसद को पावर देता है कि विदेशी राज्यों को भारत में मिलाने की। तो यानी कि अगर मान लो ये नेपाल है और नेपाल अगर भारत से मिलना चाहता है तो अनुच्छेद 2 संसद को पावर देता है कि हम नेपाल को भारत में मिला सकते हैं, तो ये भारत का हिस्सा हो गया ना। या फिर मान लो अभी पाकिस्तान से युद्ध हो जाए और पाकिस्तान को हम जीत लेते हैं, तो संसद अनुच्छेद 2 संसद को पावर देता है कि पाकिस्तान को भी हम जीत कर क्या कर सकते हैं, भारत में मिला सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया, ये दोनों ही हमारे हिस्से हो गए, तो ये हो गया अनुच्छेद 2। क्लियर है, तो अनुच्छेद 2 संसद को पावर देता है विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना। क्लियर हुआ, तो नेपाल और पाकिस्तान दोनों ही मिला लिए ना, ये हो गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की, तो पहले में क्या था, भारत राज्यों का संघ है, यहाँ भारत के पास शक्ति है, राज्य के पास शक्ति नहीं, यानी संसद के पास शक्ति है, और अनुच्छेद 2 संसद को पावर देता है विदेशी राज्यों को भारत में मिलाने की, ठीक है, ये हो गया। अनुच्छेद 3 की बात करते हैं, तो देखिए अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 gives power to parliament to create new states within territory of India, create new state within territory of India, ठीक है। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1 बताता है भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत के पास शक्ति है, संसद के पास शक्ति है, अनुच्छेद 2 संसद को पावर देता है कि विदेशी राज्यों को युद्ध में जीत कर या फिर संधि करके मिला सकते हैं। अब अनुच्छेद 3 संसद को पावर देता है कि जो पहले से ही अपने राज्य हैं, अनुच्छेद 3 संसद को पावर देता है कि जो पहले से ही अपने राज्य हैं, ठीक है, उन राज्यों में से एक और नया राज्य बनाना, या फिर ये 2 राज्यों को तोड़कर या 1 राज्य को जोड़कर या 3 राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य बनाना, तो अनुच्छेद 3 संसद को पावर देता है भारत में ही विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी अपने ही देश में नया राज्य बनाना। अब नया राज्य कैसे बनेगा, जैसे मान लो राजस्थान है, अब राजस्थान में से 2 राज्य बनाने हैं, ठीक है, तो अनुच्छेद 3 संसद को पावर देता है कि राजस्थान में को तोड़कर 2 राज्य बनाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 3 संसद को पावर देता है कि उत्तर प्रदेश में से 4 राज्य बनाए जा सकते हैं, और अनुच्छेद 3 संसद को पावर देता है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और गुजरात को मिलाकर एक नया राज्य बना सकते हैं, यानी राज्यों को तोड़कर या राज्यों को जोड़कर कोई भी नया राज्य बनाने की शक्ति संसद को अनुच्छेद 3 देता है। यानी अगर संसद चाहे, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, बिल पास करके साइन कर देते हैं, तो भारत में भी एक नया राज्य बन सकता है। अनुच्छेद 2 में विदेशों से राज्य लेना था, अनुच्छेद 3 में अपने ही देश में क्या करना, राज्यों का निर्माण करना, तो अनुच्छेद 3 संसद को पावर देता है कि अपने ही देश में नए राज्य का निर्माण करना। अब नए राज्य का निर्माण कैसे हो, क्या होगा, कैसे होगा, या तो एक राज्य को तोड़कर या 2 राज्यों को जोड़कर, ठीक है, तो अनुच्छेद 3 बोलता है अपने ही देश में राज्य बनाना। कैसे, जैसे मान लो ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी कहानी बता देते हैं। जैसे कि जब मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो मायावती सरकार ने प्रस्ताव रखा केंद्र सरकार के सामने कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, इसको प्रशासन करने में बहुत दिक्कत होती है, क्यों, इसको एक काम कीजिए, इसको 4 भागों में
बांट दीजिए, उत्तर प्रदेश को क्या कर दिए, चार भागों में बांट दीजिए। तो मायावती ने प्रस्ताव क्यों रखा, क्योंकि भाई उसके लिए अलग था, क्यों, क्योंकि वो सोचती थी कि जो पिछड़ा वर्ग है वो मेरे साथ है ही, और एक हिस्सा मेरा हो जाएगा तो मैं तो हमेशा के लिए सीएम बन जाऊंगी उत्तर प्रदेश की, तो वो सोचती थी ऐसा। तो मायावती ने प्रस्ताव ये राष्ट्रपति के पास भेजा, और राष्ट्रपति किसके पास भेजेगा, संसद, लेकिन संसद ने इसको मंजूरी नहीं दी, उसे पास नहीं किया, तो इसी की वजह से उत्तर प्रदेश के टुकड़े नहीं हो पाए। यानी संसद के पास पावर है, संसद राज्य के सिफारिश को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है, संसद चाहे तो पास कर सकती है, संसद चाहे तो मना कर सकती है। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश, अब हम अनुच्छेद दो था ये, अनुच्छेद दो, अब बात कर रहे हैं अनुच्छेद तीन की, अपने ही देश में। मान लो उत्तर प्रदेश में से अगर दो राज्य बनाए जाएंगे तोड़कर, या चार राज्य बनाए जाएंगे, तो कौन बनाएगा, संसद बनाएगी, तो अनुच्छेद तीन के तहत, ठीक है। या फिर मान लो ये है, मान लो महाराष्ट्र, ठीक है, इसमें से भी तोड़कर क्या दो राज्य बनाए जाएंगे, या फिर मान लो ये दो राज्य हैं इनको जोड़कर एक नया राज्य बनाया जाएगा, तो अनुच्छेद तीन, ठीक है। तो अनुच्छेद एक बोलता है भारत राज्यों का संघ है, भारत के पास शक्ति है, राज्यों के पास शक्ति नहीं है, यहाँ भारत ने राज्य बनाए, राज्यों ने भारत को नहीं बनाया है। अनुच्छेद दो संसद को पावर देता है विदेशी राज्यों को भारत में मिलाने की, अनुच्छेद दो संसद को पावर देता है विदेशी राज्यों को मिलाने की, जीत कर या फिर संधि करके। अनुच्छेद तीन संसद को पावर देता है कि एक राज्य को तोड़कर या फिर दो राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य बनाने की, अपने ही देश में राज्य बनाने की, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं आपको, सबसे पहले 1960 में एक बॉम्बे राज्य हुआ करता था, बहुत बड़ा बॉम्बे राज्य हुआ करता था, उसमें से तोड़कर दो राज्य बनाए गए, ठीक है। मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र दे दिया गया, उसमें से गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात दे दिया गया। तो अनुच्छेद तीन संसद को पावर देता है बॉम्बे को तोड़ने की दो राज्यों में, ठीक है। या फिर उत्तर प्रदेश में से अभी देखा होगा उत्तराखंड अलग हुआ, तो अनुच्छेद तीन संसद को पावर देता है उत्तर प्रदेश में से तोड़कर एक नया राज्य बनाने की, क्लियर हुआ। तो अनुच्छेद तीन आपको क्लियर हो गया, अपने देश में राज्य बनाना अंदर, ठीक है। अब अनुच्छेद तीन में एक पॉइंट और है, अनुच्छेद तीन एक पॉइंट और बोलता है, अनुच्छेद तीन एक पॉइंट और बोलता है, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित करना, चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट्स, राज्य का नाम परिवर्तित करना, चेंज द नेम ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो अनुच्छेद एक भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद दो संसद को पावर देता है विदेशी से राज्य बनाना, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद दो विदेशों से राज्य, अनुच्छेद तीन अपने देश में राज्य बनाना, या राज्य दो राज्यों को जोड़कर या एक राज्य को तोड़कर, और अनुच्छेद तीन संसद को पावर देता है कि तुम किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, उत्तरांचल था, उत्तरांचल था या नहीं था, लेकिन उत्तरांचल को क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। अब 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम 1950 से पहले संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, लेकिन 1950 में संसद ने क्या कर दिया, इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ठीक है। तो किसी भी राज्य का नाम चेंज करने की पावर किसके पास है, संसद के पास। तो अनुच्छेद तीन संसद को पावर देता है किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है, लेकिन जिले का नाम नहीं, जिले का नाम चेंज करने, डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करने की शक्ति किसके पास होती है, ये किसके पास होती है, ये होती है राज्य विधानमंडल के पास। जैसे कि एग्जांपल इलाहाबाद, अब देखा होगा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, और योगी बीजेपी की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है या नहीं है, और वो हिंदूवादियों से वोट ऐसे खींचती है राष्ट्र नाम पर, हिंदू राष्ट्र नाम पर, देखो कैसे। अब उत्तर प्रदेश में एक नाम हुआ करता था इलाहाबाद, अब इलाहाबाद में ये आ रहा ना अल्लाह, तो उत्तर प्रदेश के योगी सर आदित्यनाथ ने अपनी विधानसभा में बहुमत है उनका, तो वहां से एक बिल पास करके इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या रख दिया, प्रयागराज, ठीक है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद तीन संसद को पावर देता है किसी भी राज्य का नाम चेंज करने की, ना कि जिले का। अगर जिले का नाम चेंज करना है तो जिले का नाम राज्य विधानमंडल कर सकता है। जैसे कि गुड़गांव का नाम क्या कर दिया है, गुरुग्राम कर दिया गया है, ठीक है। चेन्नई नाम सुना होगा आपने, चेन्नई का नाम पहले मद्रास था, मद्रास का चेन्नई कर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही जिले का नाम चेंज होगा तो वो कौन करेगा, स्टेट करेगा, लेकिन किसी स्टेट का नाम चेंज होगा तो वो स्टेट नहीं कर सकता, उसको संसद करेगी, देश करेगा, क्लियर हुए। अनुच्छेद एक दो और तीन, तो अनुच्छेद एक बोलता है भारत राज्यों का संघ है, यहाँ राज्य पावरफुल नहीं है, या केंद्र पावरफुल है, या केंद्र ने राज्य बनाए, राज्यों के पास शक्ति नहीं है। अनुच्छेद दो संसद को पावर देता है विदेशी राज्यों से भारत मिलाना, अनुच्छेद तीन संसद को पावर देता है अपने ही देश में एक नया राज्य बनाना, या किसी भी राज्य का नाम चेंज करना। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं,
ठीक है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो एनडीए यूपीएससी कैसे घुमा देता है आपको और यूपीएससी ने कैसे कैसे चेंज कर देता है। अब हर साल दो एग्जाम होते हैं एनडीए के, एक होता है एनडीए वन और एक होता है एनडीए टू। एनडीए वन, एनडीए वन में पूछा गया भारत की सीमाओं का परिवर्तन किस अनुच्छेद में। एक साल में दो एग्जाम होते हैं, ये दो अनुच्छेद एनडीए वन में पूछा गया भारत की सीमाओं का परिवर्तन किस अनुच्छेद में, और एनडीए टू में पूछा गया भारत में सीमाओं का परिवर्तन किस अनुच्छेद में। भारत में तो देखते हैं आप, जैसे मान लो ये भारत है और ये नेपाल है, अभी अनुच्छेद दो पावर देता है नेपाल को भारत में मिलाने की, तो नेपाल भारत में मिल गया, संसद ने नेपाल को भारत मिला दिया, तो ये भारत की सीमा चेंज हुई है ना, भारत की सीमाओं में परिवर्तन, तो अनुच्छेद दो। भारत की देखो सीमा पहले कैसी थी अब कैसी हो गई है, तो ये क्या है अनुच्छेद दो, और दो राज्यों को तोड़कर एक राज्य या फिर एक राज्य को तोड़कर दो राज्य बना दिए, तो भारत में, मैं माने अंदर, भारत में अंदर सीमा चेंज हुई है, तो ये इसका अनुच्छेद दो है, अनुच्छेद तीन। क्लियर हुआ, तो अनुच्छेद एक दो तीन आपको क्लियर हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद चार की, तो लिखिए आर्टिकल फोर। अनुच्छेद चार, आर्टिकल फोर, अनुच्छेद चार, आर्टिकल फोर, आर्टिकल फोर, अनुच्छेद चार, तो अनुच्छेद चार में लिखिए, अनुच्छेद चार बोलता है चेंज बाय आर्टिकल, चेंज बाय आर्टिकल टू एंड थ्री, चेंज बाय आर्टिकल टू एंड थ्री डज नॉट रिक्वायर, डज नॉट रिक्वायर, चेंज बाई आर्टिकल टू एंड थ्री डज नॉट रिक्वायर प्रोसीजर ऑफ, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, आर्टिकल 368, ठीक है। यानी अनुच्छेद चार, अनुच्छेद चार बोलता है कि अनुच्छेद दो और तीन यानी बाहर से राज्य लेने के लिए, ठीक है, अनुच्छेद ये क्या बोलता है कि अनुच्छेद, अनुच्छेद चार क्या बोल रहा है, अनुच्छेद चार संसद को बोल रहा है कि बाहर से राज्य लेने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं, यानी बाहर से राज्य लेने के लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, या फिर अनुच्छेद तीन अपने देश में राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। इस आर्टिकल को हम बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद इसमें और कुछ इतिहास है वो हम आपको बताएंगे अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हम आगे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके सामने लाते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।